और मेरे को देख कर बड़ा दुख हुआ किस प्रकार से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या हालात कॉर्पोरेशन यहाँ पे क्यों है। तो मैंने उनको कहा कि दो दिन के अंदर जितना भी इसका हमका ड्रेन की व्यवस्था है इसको ठीक करें, अच्छा काम अच्छी ड्रेन करें, जैसे भी करें इनका पानी अपना निकाले, चाहे पंप सिस्टम करें, जिस तरह से आज मैंने अधिकारी को दे दिए, दो तीन दिन के बाद इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एसी में बैठ कर सोते हैं, अब इनको सड़कों पर आना पड़ेगा और मैं जनता से कहूंगा बेशक मेरा नंबर ले ले, मैं उस पर एक्शन लूंगा, हाथ छोड़ूंगा नहीं। हरियाणा के अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्री सुधा ने बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए नगर निगम के एक्सीएन व जेई को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। बैठक में कुल 15 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें से अधिकतर शिकायतें नगर निगम से संबंधित थी। बैठक में अधिकतर शिकायतें आने और स्थानीय पार्षदों द्वारा निगम अधिकारियों के रवैये को लेकर की गई शिकायतों पर मंत्री सुभाष सुधा का पारा चढ़ गया और उन्होंने तुरंत नगर निगम के एक्सीएन महेंद्र व जेई संजीव दलाल को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। एक बार देखिए वो पूरी वीडियो। यू रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रीवेंसेस मिनिस्टर, वर्बल आप ऑर्डर रिकॉर्ड कीजिए, यू शुड गिव। हां डन, आज से शिफ्ट जी आपके पास है, हमें हैंड ओवर दे दे और बता दे उसके बाद हम बस ठीक आप इधर मोटी बातें इनसे मिल कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान पिछले लगभग 5 सालों से लंबित चली आ रही डेयरी कॉम्प्लेक्स से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री सुधा खुद डेयरी कॉम्प्लेक्स का दौरा भी करने पहुंचे। मीटिंग में बातचीत करते हुए मंत्री ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी ऐसे कमरों में ना बैठकर फील्ड में उतरकर जनता के काम करें। उन्होंने कहा कि आज एक्सीएन और जेई के विरुद्ध शिकायत मिली थी और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को बरसाती मौसम से पहले शहर में नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि या तो अधिकारी काम करें नहीं तो अपने घर जाएं। आज मैं गोविंद सिक्योरिटी की अम्बाला में यहाँ मीटिंग लेने आया था और हमारी राणा सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम गोविंद सिंह की मीटिंग हर जगह जाकर ले लिया, मैंने कराल में ली, अब यहाँ पे ली। और सर्वप्रथम तो मैं अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि एसी में ना बैठ कर सड़कों पर काम करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जिस प्रकार की कंप्लेंट आई मेरे पास, बहुत से काउंसलरों ने यहाँ पर गोविंद सिंह में कहा किस प्रकार से हमारे साथ एक्शन मिसबिहेव करता है, जेई मिसबिहेव करता है, हमारा फोन नहीं उठाता, ये गलत चीज़ है क्योंकि पब्लिक एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा बिहेव कर रहा है तो आम जनता से क्या कर रहा होगा। उसके लिए मैंने एक एक्शन को अपना महेंद्र एक्शन और एक जेई संजीव दलाल को दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया है। और साथ में ये भी कहूँगा कि अधिकारियों से सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें, साथ में जहाँ अभी मौसम आ रहा है अभी और मैं कहूँगा बारिश का मौसम है और मानसून आने वाला है और ड्रेन सारी साफ होने चाहिए। मैं खुद मौके अभी ड्रेन जहाँ जहाँ मुझे कंप्लेंट मिले लोग आए हैं मैं मौके देखने जा रहा हूँ सफाई व्यवस्था के भी उसके द्वारा हम क्या ड्रेन के भी और जहाँ भी मुझे कमी नज़र आएगी तुरंत मैं फ्लैक्शन लूँगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से अधिकारी ने अभी कहा जो काम कई सालों से लंबित पड़े थे कल कर देंगे, अगले वीक में कर देंगे, तो मैं फिर अधिकारी से कहूँगा आप अपना कार्य करिए, अपनी ड्यूटी को निभाइए, मेरा यही अनुरोध है, अदरवाइज अपने घर पर जाइए, ऐसे करना। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद निकाय मंत्री सुभाष सुधा शहर के दौरे पर निकले, जहां डेयरी कॉम्प्लेक्स के दयनीय हालत देखकर मंत्री भी हैरान रह गए। मंत्री ने अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये अधिकारी अपने एसी वाले कमरों में सोते हैं, लेकिन अब इन्हें फील्ड में निकलकर काम करना होगा। मंत्री ने डेयरी कॉम्प्लेक्स में फैली गंदगी को लेकर अंबाला नगर निगम के अधिकारियों को 2 दिन में हालात सुधारने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पानीपत में भी है कि कब लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि
मंत्री सुभाष चौधरी कब पानीपत शहर में आएंगे और इस तरह की मीटिंग लेकर कार्रवाई करेंगे, क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।